हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर बर्ड। तो आज इसमें मैं आपको इंट्राडे कॉल्स देने वाला हूँ मंडे मार्केट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा मंडे मार्केट के अंदर, और रिवर्सल क्रिएट हो चुका है। निफ्टी की जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है, और जो इसने फ्राइडे मार्केट में थोड़ी सी बढ़त दिखा कर क्लोजिंग दी है, तो वहाँ मोस्ट ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बाय के ही कॉल दिखाई दे रहे हैं, और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं रहा था फ्राइडे के दिन। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लाइंट को मैंने कॉल्स दिए हैं इस वीक के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ्राइडे मार्केट में तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं था, और रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स या न्यूज़ वाले स्टॉक्स में मैं कभी काम नहीं करवाता हूँ, क्योंकि इसमें आर या पार का मामला रहता है। जो भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग से स्टॉक रहते हैं सिर्फ उन्हीं में काम करवाया जाता है ताकि एकदम सेफ़ रहे। तो चलिए आगे देखेंगे हम अभी इंट्राडे के लिए कॉल्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो चलिए गाइस, देखेंगे हमारे मंडे मार्केट के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारे कॉल्स दिखा दिए थे, जो वेडनेसडे तक के मैंने आपको सारे कॉल्स दिखा दिए थे। यहाँ पर हमने वेडनेसडे को 5 कॉल्स लिए थे, और 5 में ही हमारे टारगेट अचीव हुए थे, और सभी में बड़े बड़े टारगेट थे। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 3% का टारगेट था, वो भी अचीव हो गया था, और बहुत ही शानदार यहाँ पर रिटर्न्स मिले थे। हमारे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 3% का टारगेट बुक हुआ था, टाटा मोटर्स में टारगेट बुक हुआ था, और ऑरो फार्मा में भी टारगेट बुक हुआ था सभी में, और हमारे 5 कॉल्स में से 5 कॉल्स में टारगेट अचीव हो गया था। वेडनेसडे को मार्केट काफ़ी बेहतर था। और यहाँ पर हम देखेंगे फिर थर्सडे मार्केट, मैंने आपको नहीं दिखाया, तो थर्सडे मार्केट आप देख लें कि ONGC पहले दिया गया था, और फिर HDFC, ये ऑप्शन के लिए भी एक कॉल दिए गए, 2 कॉल दिए गए थे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में हमने 2 कॉल यहाँ पर लिए थे, HDFC और HDFC बैंक दोनों में ही जो कॉल दिए थे। देखिए, आपको HDFC 18 रुपये से दिया था, और 35 रुपये का टारगेट दिया गया था। HDFC बैंक में 15 रुपये से दिया गया था, 30 रुपये का, यानी कि 100% टारगेट दिया गया था। इसमें सीधा पैसा आप पर डबल करने के लिए टारगेट दिया गया था, 15 से 30 रुपये का टारगेट। और टाटा मोटर्स, फिर कैश मार्केट में 2 ही कॉल ओपन रहे थे, और फिर यहाँ पर हमारे टाटा मोटर्स में टारगेट अचीव हो गया था। और फिर टाटा मोटर्स के बाद की बात करें तो ONGC यहाँ पर एग्जिट करवा दिया गया था रिटू रेट, और फिर HDFC बैंक में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। HDFC बैंक जो 15 रुपये से 30 रुपये का टारगेट इसने अचीव कर लिया था, 100% का टारगेट अचीव हुआ था। लॉट साइज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो 250 का लॉट साइज़ था, 3,750 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे साल 3,750 का प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया है, डबल प्रॉफिट निकला है। और फिर इसके बाद HDFC में देखेंगे तो HDFC में 32 रुपये का इसने हाई बनाया था, और 30 रुपये पर हमने इसको बुक किया था, तो यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल कर आया था, 9,000 के इन्वेस्टमेंट पे 6,000 का प्रॉफिट एक लॉट पर। तो यहाँ पर हमने टारगेट अचीव हो गए थे हमारे। और फ्राइडे मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं, तो कॉल्स भी नहीं निकल पा रहे थे, और यही 2 कॉल्स में हमारी पोजिशन फंसी रही। और अशोक लेलैंड में भी हमारा टारगेट अचीव हो गया था, अशोक लेलैंड में डाबर 427 रुपये से दिया था, यानी कि 427 से, तो 428 के आसपास ही वो डोलता रहा, और 429 तक तो गया था। फिर वहाँ से ज़्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं, तो इसमें कुछ कर नहीं पाए फ्राइडे मार्केट में ज़्यादा कुछ। और बजाज फाइनेंस में इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका रिजल्ट का इफेक्ट आना था, आर या पार का मामला रहता है, और उसमें कोई लेबल नहीं थे। ये लेबल होते तो फिर उसमें दे सकते थे, बट विदाउट लेबल वो वहाँ पर था, इसलिए उसमें नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर हम दे चुके हैं, और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको इस चैनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और जब आप इससे कनेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको जितने भी अच्छे कॉल्स मिलते हैं उसमें आप काम कर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो अपना, और जो भी आपके लॉसेस हैं तो लॉसेस भी आप रिकवर कर सकते हो। बस ये इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपको वहाँ पर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, अगर आप सभी कॉल्स पर काम करते चलेंगे, सभी को फॉलो करते चलेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं उसको फॉलो करते चलेंगे, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट ही लेकर निकलेंगे। और SL और टारगेट आपको हमेशा यहाँ पर बड़े ही, यानी कि SL छोटा रहता है, टारगेट हमेशा बड़ा रखने की कोशिश की जाती है, और जिसमें एकदम क्लियर लगता है उसमें 3 से 4% के भी टारगेट दे दिए जाते हैं। जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 3% का टारगेट दिया गया था थर्सडे को, तो उसमें भी हमारा टारगेट अचीव हो गए थे, और भी ज़्यादा मूव किया था वो। और अब हम देखेंगे, और यहाँ पर एक क्लाइंट को जो अलग से कॉल दिया गया था, तो उसमें भी तो हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। MM कहाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइन, महिंद्रा एंड महिंद्रा में वहाँ पर हमारे टारगेट अचीव हो गए थे, और महिंद्रा एंड महिंद्रा आज भी मैं आपको इंट्राडे कॉल्स देने वाला हूँ मंडे के लिए।
तो चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे, और सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी 29 जुलाई के लिए इंटरडे कॉल्स। और ये रहे हमारी 29 जुलाई के लिए इंटरडे कॉल्स। तो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं तो वहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज रिकवर करने के चक्कर में आपके और ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, कैपिटल आपका एकदम डाउन जा रहा है, तो कैपिटल बचाने के लिए आप सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हो, या आप इंटरडे में प्रॉफिट निकालते रहना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, आप कॉल भी कर सकते हो उस पर और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट कर सर्विस ज्वाइन कर आप काम करिए। चाहे आप किसी में भी काम करते हो, कैश फ्यूचर ऑप्शन या फिर होल्डिंग स्टॉक्स में काम करते हो या MCX में काम करते हो, सभी में आपको बहुत ही बढ़िया कॉल्स मिल जाते हैं। और सर्विस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर है ही आपके पास, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, अपने लॉसेस भी रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला कॉल हम देख लेते हैं। तो मैं आपको जो इंटरडे में दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं फिर से आपको इसमें कॉल दूंगा बाय करने के लिए, क्योंकि मार्केट पूरा बाय के लिए ही दिखाई दे रहा है। सिर्फ उम्मीद है कि निफ्टी में हमको बाय की पोजीशन देखने को मिल सकती है, ये सिर्फ उम्मीद है, कंफर्मेशन फुल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट की जिस तरह से अभी कंडीशन चल रही है, FIIs अपनी होल्डिंग बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ बहुत से स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो एकदम कंफर्म नहीं कर सकता, सिर्फ उम्मीद है कि कल मार्केट ऊपर ही रहना चाहिए। जैसा कि स्टॉक्स भी सिग्नल दे रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो भी सिग्नल दे रहे हैं बाय की तरफ, तो हम इसको बाय की तरफ फोकस करके चलेंगे, और 566.50 से हम इसको बाय करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 572.25 का, सॉरी 572.15 का, और SL हमारा रहेगा 560.80 का। और जो हमारा नेक्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है हमारा ICICI जनरल इंश्योरेंस का। ये एक जनरल इंश्योरेंस लॉम्बार्ड है, इसको आप ICICI लॉम्बार्ड भी कह सकते हैं। ICICI लॉम्बार्ड में हमको बाय करके चलना होगा, और उसको हम बाय करेंगे 1151 से। हमारा टारगेट रहेगा 1162.50 का, और SL हमारा रहेगा 1139 का। बहुत ही बढ़िया पोजीशन है ICICI जनरल इंश्योरेंस के अंदर, बहुत ही शानदार पोजीशन बनी हुई है, तो इस पर आप फोकस ज़रूर करिएगा सेकेंड स्टॉक पर। और जो थर्ड स्टॉक है हमारा रेमंड का, रेमंड में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, तो रेमंड में भी हम फोकस करके चलेंगे बाय की तरफ, और 686.40 से हम इसको बाय करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 693.25 का, और SL हमारा रहेगा 679.50 का। यहाँ पर 1% का टारगेट और 1% का फॉर्मूला है, ये एक्सेल फाइल है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्राइस सिर्फ अपडेट करना होता है, बाकी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और यहाँ इसलिए आपको 26 दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1% का टारगेट और 1% का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फोर्थ कॉल है, ये है BPCL का। IOC तो बहुत ज़्यादा गिरावट दी है, 3% से ज़्यादा गिरावट दे दी थी IOC ने, बट BPCL और HPCL ने रिकवरी दिखाई है मार्केट के अंदर, तो BPCL ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे HPCL से। HPCL भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन BPCL पे हम फोकस करके चलेंगे बाय की तरफ। 345.60 से हम इसको बाय करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 349.05 का, और SL हमारा रहेगा 342.1 का। और हमारा फिफ्थ कॉल हम देख लेते हैं, तो फिफ्थ कॉल है हमारा येस बैंक का। तो येस बैंक में आपको देखने को मिला होगा 10% तक की इसमें बढ़त देखने को मिली थी आपको, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखा रहा था फ्राइडे मार्केट में, तो अभी भी उम्मीद है कि इसमें और थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकता है हमको, इसलिए हम इसको बाय करेंगे 97 से। हमारा टारगेट 98 का रहेगा, और SL हमारा रहेगा 96.05 का। और जो हमारा सिक्स स्टॉक है, ये है REC का। तो REC में अभी भी सेल की ही पोजीशन बनी हुई है, तो REC में अभी भी गिरावट की ही उम्मीद है, कि अभी थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है REC के अंदर, तो हम इसको सेल करके चलेंगे 141.1 से। हमारा टारगेट रहेगा 129.70, और SL हमारा रहेगा 142.50 का। ये इकलौता एक स्टॉक है हमारी लिस्ट में, जो 10 में से मैं आपको सिर्फ एक कॉल सेल का दे रहा हूँ सिर्फ REC के अंदर, बाकी सभी बाय के ही कॉल देने वाला हूँ मैं आपको। और जो सेवन्थ स्टॉक है, यह है डाबर का। डावर भी देने की कोशिश की थी, डावर में कुछ मोमेंट देखने को नहीं मिला है हमको। ये मैंने आपको जो दिखाया था कि इंट्राडे में हमने जो इंट्राडे में कॉल दिया था, तो डावर में कुछ मोमेंट ही नहीं आया, ऊपर की तरफ भागना चाहिए था इसको, बट आज नहीं भागा, तो हमको मंडे मार्केट में भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम इसको बाय करके चलेंगे 429.60 से। हमारा टारगेट रहेगा 433.90 का, और असल हमारा रहेगा 425.30 का। और जो हमारा एट्थ कॉल है, यह है TVS मोटर्स का। तो मोटर्स स्टॉक्स में सभी में बढ़त देखने को मिली है, पूरा मोटर सेक्टर, ऑटो सेक्टर में हमको बढ़त देखने को मिली है, तो ऑटो सेक्टर और उससे जुड़ी हुई कंपनियों में हम फोकस करके चलेंगे बाय की तरफ। और हमारा जो बाय का लेवल बन रहा है 380.20 से बन रहा है। हमारा टारगेट रहेगा 1% का, 184 का, और 384 का, और हमारा SL रहेगा 376.40 का। और जो हमारा नाइन्थ कॉल है, यह है हमारा राजा बैटरीज का।
हमारा राजा बैटरीज में हम बाई की तरफ फोकस करके चलेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमको पोजीशन दिखाई दे रही है सभी ऑटो सेक्टर और उससे जुड़ी कंपनीज में, और यहाँ पर हम बाई करके चलेंगे। 655.50 से हमारा टारगेट रहेगा 662 का, और हमारा एसएल रहेगा 648.90 का। हमारा राजा बैटरीज में भी आप फोकस करके चलें बाई की तरफ, बहुत ही बढ़िया लेवल बने हुए हैं इसमें। और जो हमारा 10th कॉल है ये है फेडरल बैंक का, तो फेडरल बैंक में बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है। मंडे मार्केट में भी रिवर्सल काफ़ी अच्छा बेहतर लिया है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में बना है वैसे ही फेडरल बैंक में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम बाय करके चलेंगे। 95.85 से हमारा टारगेट रहेगा 96.80 का, और एसएल हमारा रहेगा 94.85 का। और यहाँ पर हमारे पूरे कॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो गाइस इतना ही कहूँगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर नेक्स्ट ट्रेडिंग, यानी मंडे मार्केट के लिए। आप इन स्टॉक्स पर फोकस करके चलेंगे तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बस लेबल से वर्क करें। एसएल का यूज़ करके चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएंगे विदाउट एसएल, और टारगेट से पहले स्टॉक को बुक करना, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए, या लॉसेस से बचने के लिए, या लॉसेस रिकवर करने के लिए, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हैं। आपको अपने टेलीग्राम जो पेड चैनल है जिसमें सर्विस ज्वाइन करने के बाद ही ऐड किया जाता है, और लॉन्ग टारगेट्स में काम करवाया जाता है, बहुत ही सेफ रहता है। लाइव मार्केट में जो ओपनिंग हमको मिलती है वो ओपनिंग ही डिपेंड करती है कि हमको किस स्टॉक पर काम करना है और क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे। वो टारगेट्स भी हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं कि कितना ये मूव कर सकता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो लाइव मार्केट में जो कॉल्स रहते हैं वो ये भी हो सकते हैं, उससे अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक रहे। ओपनिंग पर डिपेंड करता है किस स्टॉक ने कहाँ पर ओपनिंग ली है और हमको सही टाइम मिल पाया है उस ओपनिंग के बाद, क्योंकि स्टॉक में ओपनिंग तो सब एक साथ ही लेते हैं 9:15 पर। फिर उसके बाद हम सर्च करना शुरू करते हैं, तो सर्च करने के बाद हम पता चला कि हमने एक स्टॉक आपको दिया उस दूसरे स्टॉक, और फिर जब तक आगे पहुंचे हैं तो आगे पहुंचने के बाद हमको लगा कि ये स्टॉक का लेवल बहुत बेटर था, ओपनिंग काफ़ी अच्छी थी, बट मौका नहीं मिल पाया। मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाता है किसी किसी स्टॉक में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रूर सर्च करने में। और बहुत से स्टॉक्स रहते हैं जो ओपनिंग देने के बाद थोड़े से मूव स्लो करते हैं, फिर बाद में जब वो लेवल के एकदम करीब होते हैं। लेवल जो लाइव मार्केट में हमको मिलते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लाइव मार्केट के कॉस्ट बहुत ही अलग होते हैं, और वहाँ पर आप काम करोगे लाइव मार्केट के कॉल्स में तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकलेगा आपको, और लॉसेस भी आपके रिकवर हो जाएंगे। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, सर्विस ज्वाइन कर काम करिए, लॉसेस रिकवर करिए, प्रॉफिट निकालिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।